हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम लोग सोशल साइंस में जो पोल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान है, उसका हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पांच क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा सब्जेक्टिव का, लेकिन आपको पहले मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सर ये पाँचों के पाँचों सवाल आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इसको कॉपी पर आप नोट करोगे और इसको लिख करके याद करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी बोर्ड से हो, डोंट वरी, चाहे सीबीएसई से क्यों ना हो, है ना, लेकिन सवाल को यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है ना। तो हिंदी को मैं समझाऊंगा और इंग्लिश मैं दिखा दूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसका मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, पीडीएफ भी आप लोग दोनों डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। जो पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और इस आईडी से मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह दिया हुआ। चलिए तो वन बाय वन करके पहले सवाल को ध्यान से समझिएगा, मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो समझाऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा ना, तो आपको 50% समझ में आ जाएगा। आप उसको लिखोगे और खुद से पढ़ोगे तो 50% आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहला सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है जी, सत्ता की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक शर्त है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए, जो लोकतंत्र होता है, जो हमारा देश भारत है, हमारा देश जो हिंदुस्तान है, वो लोकतंत्र है ना। और लोकतंत्र का माना आप जानते हैं ना, लोकतंत्र का मतलब क्या जानते हैं, कि लोकतंत्र है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का ही है। तो इसकी सफलता अगर चाहिए, इसको सक्सेस बनाना है, तो क्या क्या जरूरी है। तो देखिए, अगर सवाल आ जाएगा ना तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्त है, या निम्नलिखित शर्त है, ऐसे भी लिखिएगा चलेगा। सबसे पहला शर्त है, जनता के लोकतंत्र में पूरी आस्था हो। पहली बात तो जनता को पहले लोकतंत्र पर विश्वास होना चाहिए, कि हाँ, जो लोकतंत्र में जो जो कानून बताया गया उस पर विश्वास होना चाहिए, कि जो गरीब होगा उसको सरकार मदद करेगी, है ना, जो बदमाश होगा, जो गुंडा होगा, बदमाश होगा, चोर होगा, सरकार उसको पकड़ेगी, सजा देगी, है ना। ये जनता को लोकतंत्र पर आस्था होना चाहिए, तभी सफल हो पाएगा। यानी कि अगर माने कि हमारे देश में लोकतंत्र है, कोई किसी ने बलात्कार किया या कुछ रेप काम किया, गलत काम किया, और अगर उसको सरकार सजा नहीं दे रही, तो लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास खत्म हो जाएगा ना। तो यही अगर सख्त, तो हमारा देश तो ऐसे क्या होगा, अगर सब विश्वास नहीं रहेगा तो लोकतंत्र सफल नहीं माना जाएगा। अगर लोकतंत्र सफल करना है तो सबसे पहला बात है कि जो जनता है वहाँ की, जो है जहाँ के, जो लोकतंत्र देश है ना, वहाँ की जनता को सबसे लोकतंत्र में पूरी आस्था होना चाहिए, पूरी विश्वास होना चाहिए उस पर, कि हाँ, हमारा जो लोकतंत्र है जो न्याय के साथ होता है, अन्याय के साथ नहीं होता, ठीक है ना। दूसरी बात है सुशिक्षा। सुशिक्षा मतलब अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन, जिससे मनुष्य अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। सुनिश्चित नागरिक ही अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते। देखिए, लोकतंत्र में एक सुशिक्षा हो, अच्छी तरीके से पढ़ाई की जाए, ताकि लोग जब पढ़ते हैं तो लोगों को उसका क्या अधिकार है, क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में उसको पता चलता है। और सच्ची बात है, जब आपको पता चलेगा मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या कर्तव्य है, तब आप अगर जब मताधिकार करते हो, जब वोट देते हो ना, तो आप उसको सही इस्तेमाल करोगे। आपको पता होता है कि किसको हम वोट देंगे, कौन मुखिया सही होगा, कौन पंचायत सही होगा, कौन एमएलए एमएलसी सही होगा, जिसको वोट देने पे हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारा देश को आगे ले जाएगा, है ना। ये बात कौन जानेगा, जो पढ़ा लिखा होगा। और पढ़ा लिखा कैसे होगा, सुशिक्षा। लोकतंत्र को चाहिए कि सुशिक्षा प्रदान करें, जैसे कि हमारे मोहल्ले में, स्कूल में, घर में, गांव में क्या होता है ना, गांव में, शहर में क्या होता है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तो इस तरह से सरकार उस पर ध्यान भी देती है। ओके, तो ये जरूरी होना चाहिए। तीसरा है आर्थिक समानता की स्थापना हो। देखिए, आर्थिक समानता की स्थापना हो, यानी कि जो इकोनॉमिकली है ना, उस सब के लिए जो इको बराबर हो, अगर इकोनॉमी के डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, किसी को पैसा दिया जा रहा है या किसी को रोजगार दिया जा रहा, आर्थिक समानता की स्थापना, चाहे आर्थिक आर्थिक में बहुत सा चीज़ आ जाता है, चाहे आप किस कोई भी काम जिससे इनकम हो रहा उसमें समानता होना चाहिए। कहा भी जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार हो जाती है। अगर आर्थिक समानता नहीं रहेगा तो राजनीतिक का जो स्वतंत्र है ना, वो क्या होता है, जो राजनीतिक जो स्वतंत्र रूप से करता है वो बेकार हो जाती है। समझ रहे हैं, आर्थिक समानता मतलब ये हुआ कि जैसे कि कोई भी काम हो गया, अगर सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलता है, कि जो जितना ज़्यादा टॉप करेगा, अच्छा नंबर लाएगा, उसी को जॉब मिलेगा। अब अगर कैटेगराइज कर दिया जाएगा कि इसको इतना इतने में उठा लेगा, 85 नंबर में कोई पास हो जाएगा, और कोई ऐसा जाते उठाएगा जो 90 नंबर में पास होगा, तो ये ना आर्थिक समानता नहीं हो पा रहा ना। तो ये भी लोकतंत्र का सही मतलब लोकतंत्र को सफलता बनाने का ये रास्ता नहीं है। तो रास्ता बनाना है तो आर्थिक समानता की स्थापना होना मांगते हैं। ओके, चौथा बात है स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो। स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, इससे नागरिकों को राजनीति एवं शासन के कार्यों में भाग लेने का आर्थिक अवसर मिलता है। देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब हुआ, जैसे पंचायती राज व्यवस्था भी चल रहा है ना, हर गांव में मुखिया होता है। अगर खाली प्रधानमंत्री हो, पूरा भारत के एक आदमी प्रधानमंत्री हो,
कहीं का कोई मुख्यमंत्री ना हो, कोई एमएलए ना हो, कोई मुखिया ना हो, है ना, तो जो गांव के जो लोग होगा उसको पता नहीं चलेगा कि किस कैसा राजनीतिक होता है, कैसे राजनीतिक में क्या काम किया जाता है, क्या शासन होता है, इसमें हम हिस्सा करें, इसमें हम हेल्प करें, कुछ नहीं पता चलेगा। तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, मुखिया होता है, वार्ड होता है, तो पता चलता है वहाँ के लोग जागरूक होता है, अरे इस बार हम भी उठेंगे, हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे, मतलब अपने आप को ना उस प्रति बना लेता है कि हम भी शासन कर सकते हैं, है ना, हम भी अपने समाज की सेवा कर सकते हैं। तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना होना मांगता है। ओके, ये रहा 4 पॉइंट जो कि मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट करेंगे और नोट करके जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आप पढ़ेंगे। ओके, और इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट देख लो, इंग्लिश वाले इसको नोट कर लो। ओके, मैं यहाँ पे स्क्रीन स्क्रॉल करूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे ये 3 नंबर से यहाँ पे है 4 तक। ओके, लेकिन इसको बस आप नोट जरूर कीजिएगा, सिर्फ नोट नहीं बल्कि याद कर लेना है, लेकिन नोट करके, लिख करके याद करना है। आगे सवाल पढ़ते हैं, लोकतंत्र के क्या अवगुण है? अवगुण मतलब समझ रहे हैं ना, अवगुण मतलब खराबी, है ना, क्या बुराई है, खराबी, लोकतंत्र में क्या खराबियां हैं। चलिए, तो इस अवस्था के कुछ अवगुण भी है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकतंत्र के कुछ अवगुण है जो निम्नलिखित है ना, शॉर्ट में लिख सकते हैं। चलिए, पहला है समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब समानता जो बराबरी का जो हक होना चाहिए सभी नागरिकों का, वो अप्राकृतिक है, वो है नहीं। लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता का सिद्धांत है, परंतु आलोचक यह कहते हैं कि समानता का सिद्धांत भी अप्राकृतिक, बिल्कुल आलोचक मतलब जो उसके अपोजिट पार्टियां होती हैं, कहते हैं देखते भी है ना, लोकतंत्र में जो मुख्य जो है ना समानता का अधिकार है, हर नागरिक को समान अधिकार दिया जाता है, लेकिन अगर ये समानता का नहीं दिया, जैसे कि आलोचक क्या कहते हैं, जो उसकी बुराई करते हैं, जो विपक्ष दल होता है ना, वो अक्सर जो है ना समानता के सिद्धांत की ही क्या बोलते हैं, अप्राकृतिक बोलता है कि ये समानता जो अप्राकृतिक है, मतलब समान रूप से सबको नहीं देखा जा रहा है ना। दूसरा है गुणों की बजाय संख्या को महत्व देना, आजकल लोकतंत्र में क्या संख्या को वैल्यू देता है कि कितना है, हालांकि ये नहीं देखता कि कितना क्वालिटी वाला, लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या को आर्थिक महत्व दिया था, आर्थिक नहीं होगा सॉरी, अधिक महत्व दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे करना अधिक है ना, मोर अधिक महत्व दिया जाता है लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या पे, यानी कि लोकतंत्र में जैसे कि मान ली कोई मुखिया उठा, है ना, मुखिया उठा, अब मुखिया में अगर पढ़ा लिखा मुखिया है तो वो उसमें क्वालिटी है, लेकिन अगर वो मुखिया पैसा वाला है या कुछ और वाला है, उसके पास बहुत सारा दल है बना हुआ, बहुत सारा लोग है उसके पास, तो लोग ना उसका पावर को देखते हैं, यार क्या है इतना पैसा है ये है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे लोग को चुनते हैं तो उसमें क्वालिटी दिखाता है, तो लोकतंत्र में ये देखा था। लेकिन आजकल क्या है ना, किसमें क्या नॉलेज वो पता नहीं चलता, बस कितना है उसके आगे पीछे कितने हैं, कितना फेमस है, बस यही सब देखा जाता है। यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता है ना, कौन है, लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ऐसा असल में नहीं होता है, चुनाव के बाद नेता जनता की परवाह नहीं करते, बिल्कुल एकदम हकीकत बात है, यानी कि सरकार चुनने से पहले जब वोटिंग होती है तो आपके घर पे आता है, हाथ जोड़ के बोलता है कि बाबू भैया है ना मुझे वोट दीजिए और मैं आपके मोहल्ले का, आपके गांव का, आपके क्षेत्र का पूरा विकास करूंगा, लेकिन जैसे ही वो नेता बन जाता है, चाहे एमएलए एमएलसी जो भी हो ना, मुखिया जो भी बन जाता है, तो चुनाव के बाद कहाँ है जनता, किधर है जनता, क्या कर रही, कौन मर रहा, क्या कर रहा, कुछ भी परवाह नहीं, बस अपने से मतलब है, तो ये देखने को मिलता है और आप अपनी आंखों से, माथे की निगाहों से देख रहे हैं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, अस्थिर तथा कमजोर सरकार, ये भी लोकतंत्र की खराबी है, अस्थिर मतलब, अस्थिर मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, कभी ये बदल जा रहा, कभी ये सरकार बन जा रहा, कभी ये बन जा रहा है ना, और कमजोर सरकार, देखिए लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होती है, लोकतंत्र में सरकार देखने को मिलता है, अगर तुरंत कोई एक 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 सीट ज्यादा लाएगा तो इस सरकार बना लेगा, और दूसरा अगर इससे ज्यादा एक सीट लाया तो फिर अब ई बन जाएगा, और अगले साल माने कि इससे 2-3 विधायक इधर चलाएगा तो अब ई बना लेगा, तो अस्थिर हो गया, इसमें सरकार कमजोर भी हो जाती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती है ना, बहुदल जिसमें बहुदलीय सरकार होता है, 2-3-4 पार्टियां मिलकर बनाती है, उसमें सरकार बहुत जल्दी बदलने की बदल सकती है, क्योंकि देखो 3-4 पार्टी मिलकर है, अब 3-4 पार्टी में कोई मंत्री बनना चाहे नहीं बन पाया मंत्री, तो क्या करेगा, छोड़ देगा पार्टी, चलो हम छोड़ दे, दूसरा पार्टी में चल जाते हैं, तो अगर वो छोड़ के चल जाएगा ना तो फिर उसका एक सीट घट गया, तो ऐसे में सरकार कमजोर भी हो जाएगी और सरकार भी गिर सकती है, तो ये है लोकतंत्र में, लोकतंत्र के अवगुण है, याद रखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इस पॉइंट को याद रखिएगा तो इतना तो पक्का है कि आप एक से दो लाइन लिख ही दीजिएगा, उसका ये वाला पॉइंट जो जो मैंने यहाँ पे किया ना वो पॉइंट याद रखना है, और आप एग्जाम में जब लिखोगे ना आप, तो उसको इस पॉइंट को अंडरलाइन कर देना ऐसे, है ना, आ इस तरह कमजोर सरकार, तो अंडरलाइन करोगे। अब इंग्लिश लवर देख लो यहाँ पे, है ना, व्हाट आर द डीमेरिट्स, हाँ देखिए यही बोलता है, डीमेरिट
मेरिट नहीं मतलब अवगुण है डेमोक्रेसी में। इसको नोट कर लेना तुम लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो ले सकते हो। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं जी। आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। हम लोग यही पढ़ ही रहे ना, हम लोग पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, सिविक्स पढ़ रहे हैं जिसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, यही पढ़ रहे हैं। देखिए राजनीतिक दल क्या है, नेशनल पार्टी है ना, सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय है ना, नेशनल सॉरी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी तो राष्ट्रीय हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय, आशय का मतलब अर्थ, ऐसी व्यक्तियों से है, ऐसे व्यक्तियों से कि किसी भी समूह से हो जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, मतलब एक ऐसा समूह, व्यक्तियों का एक समूह हो जिसका एक उद्देश्य हो, एक असब का उद्देश्य ये है ना, जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अच्छा देखिए लोकतंत्र जो पार्टियां होती है, राजनीतिक जो दल होता है उसमें जितना भी विधायक होता है, जितना भी अगर MLA है जो भी है अपना पार्टी में, उस पार्टी के हर नेता यही चाहेगा, हर विधायक यही चाहेगा कि हम कैसे मुख्यमंत्री बन जाए, हमको अच्छा से अच्छा पद कैसे मिल जाए, हमको अच्छा अच्छा पोस्ट कैसे मिल जाए, उसका यही उद्देश्य रहता है, चाहे इसके लिए तुम दूसरा को मरवाना क्यों ना पड़े, है ना। तो ये होता है, यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उससे हम राजनीतिक दल कहते हैं। और देखो अब देखो हमारा मान लीजिए आपका, आपके कुछ दोस्त लोग का ग्रुप है, तो ऐसा नहीं कि आपके दोस्त लोग का क्या माइंड होगा, आपका माइंड दोस्त लोग का माइंड होगा यार हमको कैसे अच्छा नंबर लाना, कैसे करना है, ये तो थोड़ी माइंड होगा कि हमको कैसे नेता बनना है। ये माइंड अगर आपके ग्रुप में आप सभी का यही माइंड बन रहा है, यानी मान लीजिए कोई ग्रुप है उसमें सभी का एक ही माइंड बन रहा है कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, हमको कैसे बड़ा से बड़ा मंत्री बन जाना है ना, तो उस दल को बोलेंगे राजनीतिक दल। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा ग्रुप पढ़ने वाला स्टूडेंट ग्रुप है तो उसका सोच थोड़ी ना वो रहेगा, तो वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा, है ना। उस ग्रुप को वैसे ग्रुप को राजनीतिक दल बोलेंगे जिस ग्रुप में सभी व्यक्तियों का सिर्फ एक ही उद्देश्य हो, क्या उद्देश्य हो, बड़ा सा बड़ा पोस्ट मिले हमके, बड़ा बड़ा मंत्री बन जाए, सबका ही चाहता है, कोई नहीं चाहता है, हम भी बन जाए रेल मंत्री, हम भी बन जाए ये मंत्री, सब चाहेगा, है ना। तो उस अगर उस दल का राजनीतिक कार्य के लिए कलापों के लिए संबंधित होता है, अगर ऐसा रहे तो वो जो काम कैसा है, किसके लिए, राजनीतिक काम के लिए, तो उस दल को बोलेंगे राजनीतिक दल। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। जानते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी होते हैं उसमें जितना भी व्यक्ति होता है ना सबका एक ही उद्देश्य होता है, जैसे मतदान कराना। अब देखिए अगर वोट कराना है तो मतदान कराना है, चुनाव लड़ना, चुनाव सबका सबका ही चाहता है, मतदान कैसे करना है, चुनाव कैसे लड़ना है, ये सब काम होता है, नीतियाँ कैसे बनाना है जी, कार्यक्रम कैसे तय करना है, ये सब जितना पार्टी जो इतना दल में जो नेता है ना सबका यही सब उसका झुकाव, यही सब 3-4-5 पॉइंट है जो वोट वोट कैसे लेना है, जनता को कैसे मनाना है ना, ये सब होता है। तो ऐसा दल, ऐसा समूह को बोलेंगे राजनीतिक दल। ओके आप इसका इंग्लिश में देख लीजिए, नोट कर लो इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट। चलिए लेकिन आप लोग को प्रोमिस करना पड़ेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोमिस जरूर करना बाबू कि इसको हम याद कर लेंगे सर। अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, याद नहीं तो याद कर लीजिए। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा सर अगर याद कर लेंगे क्या एग्जाम में सवाल आएगा ये वाला, तो ऐसा कभी मत सोचिए ठीक है ना, क्योंकि हम बोर्ड ऑफिस में बैठे नहीं हुए जो हम मतलब सेम टू सेम सवाल देते, और अगर होते भी तो नहीं देते है ना। तो हम आप बता रहे इंपोर्टेंट सवाल है, बस इसको याद कीजिए, समझिए। देखिए समझना बहुत बहुत जरूरी आजकल है। दल बदल कानून क्या है, आपने बहुत बार पढ़ा ऑब्जेक्टिव में, दल बदल कौन करता है, विधायक करता है, सांसद करता है। अब देखिए यहाँ पे विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। देखिए अब क्या हो ना, कोई पार्टी बदल देता है, नया ये विधायक इसमें चला गया, इसको बड़ा मंत्री वाला पोस्ट मिल रहा तो अपना पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी में चला गया। विधायक में भी होता है, सांसद भी होता है, विधायक होता है जो विधानसभा में होता है ठीक है ना, सांसद जो लोकसभा में बैठता है ठीक है ना। तो दल बदल का यही सब यही दोनों जो दल बदल करता है, या चाहे MLA हो या MP हो है ना, यही दोनों दल बदल करता है। तो अब दल बदल करेगा भाई तो ऐसे तो सरकार ने कानून बना दिया कि अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसके लिए क्या कानून है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक हो या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, मान लीजिए कोई आदमी है, कोई रेल मंत्री बन गया ठीक है, कोई मंत्री बन गया ठीक है, या कोई पोस्ट रेल मंत्री बन गया, अब वो जो आदमी है, वो जो MLA है, जो मान लीजिए रेल मंत्री बन गया, सांसद कोई एक सांसद है ठीक है ना, और वो बन गया रेल मंत्री, अब चाहता है वह प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है। अगर कोई आदमी रेल मंत्री बना हुआ है अपना दल से ठीक है ना, और वो अपना दल छोड़ के जाना चाहता है नए पार्टी में जाना चाहता है, तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। उसका जो जो जीता हुआ सीट है ना,
खत्म हो जाएगा, है ना, उसे अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। ओके, या दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्यास भ्रष्टाचार और अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया। अगर ऐसा नहीं होता तो पता क्या चलता, इसका विधायक इधर गया, इसका विधायक इधर चल गया और उसका कुछ भी असर नहीं पड़ रहा, है ना। तो दल बदल कानून ऐसे होता है तो होता है क्या, ऐसे करता क्यों, उसको पैसा मिलता है ना, बहुत सारा पैसा मिलता है, तब जाके कर लेता है, जाके मिल जाता है उसमें जाके, है ना। तो ऐसा अगर कोई करेगा तो उसको अपना सीट गंवाना पड़ेगा, जो उसका चुनाव जीता हुआ सीट है ना वो खत्म हो जाएगा वहाँ पे, है ना, उसका सीट वहाँ पे गंवाना पड़ेगा, मतलब उसका सीट खत्म हो जाएगा। तो ये क्यों किया गया, ताकि भ्रष्टाचार ना हो, अंकुश लगाया जाए इस पे, इसीलिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज डिफेक्शन लॉ, है ना, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट हैज बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टू प्रिवेंट द डिफेक्शन ऑफ MLAs एंड MP। चलो इसको नोट कर लो तुम लोग फटाफट। ओके, अब आगे सवाल पढ़ते हैं, पांचवा सवाल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस सवाल को आपको याद करना है डियर, कि महापौर का के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, थोड़ा सा संक्षिप्त इसके बारे में बताना, शॉर्ट नोट लिखना है, है ना। चलिए देखिए बहुत ईजी है, एकदम पढ़िए। नगर परिषद का निर्माण नगर निगम क्षेत्रों के विभिन्न वार्डों के काउंसलरों के द्वारा होता है। नगर परिषद में जो कुछ निर्माण करना है कौन करेगा, नगर निगम क्षेत्रों के विभिन्न वार्ड के जो काउंसलर है उसके द्वारा होता है, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें सदस्य के बीच से एक महापौर होता है, जो काउंसलर होता है ना, नगर परिषद है, मान लीजिए नगर है कोई, नगर परिषद है और उसमें जो नगर निगम है उसके क्षेत्र में बहुत सारा वार्ड होता है, वार्ड के काउंसलर होता है, उसका काम उसका 5 साल के लिए होता है, और उसी में से वही जो काउंसलर है ना, जो वार्ड काउंसलर है, उन्हीं वार्ड काउंसलर में से एक ठो जो है वो महापौर हो जाएगा, मेयर हो जाएगा, तथा एक उप महापौर हो जाएगा, एक मेयर एक उप मेयर चयन किया जाता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है, जैसे भारत का देश का प्रथम नागरिक बोलते हैं ना राष्ट्रपति को, हाँ उसी तरीके से नगर का प्रथम नागरिक किसको बोला जाता है, मेयर को बोला जाता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद का कार्य उप महापौर करेगा, जाहिर सी बात, जो अगर मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री काम करता है, मुखिया नहीं तो उप मुखिया काम करता है, इसी तरीके से महापौर अगर नहीं है वहाँ पे उपस्थित नहीं तो उप महापौर काम करेगा, है ना। अगर इसके काम के बारे में बोला जाए तो काम के बारे में लिखना पड़ेगा, गांव मोहल्ला नाली वगैरह नाली वाली बनाना, ये सब करना, सब ये सब काम है, है ना, महापौर का काम भी आता है सवाल है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और ये है इसका इंग्लिश। ओके, तो उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, आपने कॉपी में छाप लिया होगा। नोट करना बहुत ज़रूरी, कॉपी पर लिखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपको याद होना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपको याद करना, वाकई में इसको याद करना है, तो पहले आप कॉपी पर लिखिए। देखिए कॉपी में लिखिएगा ना तो आपको 50% से ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगा, और मैंने तो बहुत कुछ समझा दिया है, आपको समझ में आ गया, जैसे मैं समझाया हूँ ऐसे ही समझा के आपको पढ़ना, अपने दिमाग को सेरिब्रम जो है ना कि मैन है परामस्तिष्क, उसको समझाना है। ओके, तब वहाँ पे घुसेगा, तब जाके याद होगा, और लिखिएगा तो आँख में छप जाएगा, रेटिना पे छप जाएगा, तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, खत्म कहानी, कोई भारी चीज़ नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा, सभी सवाल जो भी इंग्लिश हिंदी जो भी था, जिसको जैसा था उसको नोट कर लिया। ओके डैड सर, तो आप पहली बार अगर आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे हो जाएगा, और लाइक वैक तो करे बिना जाना मत, है ना, लाइक करके जाइएगा प्लीज़। ओके, वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं, डैड सॉल, थैंक यू एवरीवन, बाय।